रोहतक से महम के बीच जल्द शुरू होगी ट्रेन सेवा। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लैंड नॉलेज में। रोहतक से महम तक जल्द दौड़ेगी ट्रेन। सोमवार को रोहतक और महम के बीच ट्रेन का ट्रायल भी किया गया। रेलवे के चीफ सेक्रेटरी शैलेंद्र पाठक और DRM DP गर्ग ट्रायल करने पहुंचे। एक ट्रेन 115 किलोमीटर की रफ्तार से रोहतक महम के बीच चलाई गई। ट्रायल सफल रहा और उम्मीद है कि मार्च तक यह ट्रेन चला दी जाएगी। बता दें कि रोहतक से महम तक ट्रेन चलाने का प्रोजेक्ट रोहतक हांसी रेलवे लाइन वाला है, लेकिन हांसी तक पूरी जमीन नहीं मिलने के कारण महम से आगे फिलहाल ट्रेन नहीं चलाई जा रही है। यह पूरा प्रोजेक्ट 649 करोड़ रुपए का है और महम से आगे इस पर काम चल रहा है। नया रेलवे ट्रैक बिछाने का काम 2017 में शुरू हुआ था, जो जून 2019 तक पूरा होना था, लेकिन कुछ गाँव में भूमि अधिग्रहण नहीं होने के कारण यह काम पूरा नहीं हो पाया है। रोहतक और महम के बीच रेलवे लाइन पर कोई फाटक नहीं होगा। रोहतक और महम के बीच 4 हाल्ट हैं और यह 34 किलोमीटर का सफर 40 मिनट में पूरा करेगा। अधिकारियों ने बताया कि रोहतक से महम तक 4 हाल्ट स्टेशन बनाए हैं, जहां से यात्री ट्रेन में सवार हो सकेंगे। और ये 4 स्टेशन हैं बहो अकबरपुर, खरकड़ा, बलम्बा, सोरखी। बता दें कि इन रेलवे स्टेशन के आसपास कोई भी फाटक नहीं बनाया गया है। इस रेलवे लाइन के बीच में जहां भी क्रॉसिंग है वहां पर फाटक नहीं बल्कि अंडरपास रास्ते बनाए गए हैं और मार्च 2023 तक ट्रेन चलाने की उम्मीद है। गाइस, वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।